नमस्कार दोस्तों, आज मैं बनाने वाला हूँ सहजन की सब्जी। तो सहजन में बहुत ही ज़्यादा पोषक तत्व तो पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही सेहतमंद होते हैं। तो इसलिए आज मैं लेकर आया हूँ सहजन की सब्जी जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है दोस्तों। तो मैंने यहाँ पर 250 ग्राम सहजन ले लिया है। सहजन को टॉप और बॉटम कट कर लेंगे दोस्तों, और फिर उसके बाद सहजन को 2 से 3 इंच के दायरे पर इस तरह कट कर लेंगे। जैसे कि मैं कट कर रहा हूँ वैसे आपको भी कर लेना है दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर सारे कट करके रखा हूँ। और इसके बाद जो ऊपर में हरा हरा होता है सहजन, मतलब ये रेशे होते हैं। तो रेशे निकालना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि जब सहजन पक जाती है ना तो रेशे दांतों के बीच में लग जाते हैं, इसलिए खाने में थोड़ा सा दिक्कत पड़ जाती है। तो इसलिए रेशे निकालना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो सहजन को 2 से 3 बार अच्छे से वॉश करके रख लेंगे दोस्तों। अब हम चलेंगे सब्जी बनाने की तरफ। तो मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले लिया है। इस कढ़ाई में 2 चम्मच हम यहाँ पर बड़े चम्मच से कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पर आधा चम्मच जीरा ऐड करूँगा। इसके बाद मैं यहाँ पर 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगा। इसी के साथ मैं यहाँ पर छोटे चम्मच से 1/4 टीस्पून यहाँ पर ऐड करूँगा हींग। इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा इस सब्जी में। अब इनको बढ़िया तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि जो लहसुन और अदरक का उसमें कच्चापन होगा ना वो निकल जाएगा। तो यहाँ पर हो गया है। इसके बाद हम 2 प्याज चॉप करके, एकदम बारीक चॉप करके यहाँ पर ऐड करेंगे। तो दोस्तों, अब हम प्याज को 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही चला चला कर प्याज को सॉफ्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारी प्याज बढ़िया तरह से सॉफ्ट हो रही है दोस्तों। तो जब प्याज हमारी यहाँ पर सॉफ्ट हो जाए ना, तब हम यहाँ पर ऐड करेंगे सूखे मसाले। जैसे कि मैंने यहाँ पर 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड किया हूँ, और आधा चम्मच मैं यहाँ पर ऐड करूँगा गरम मसाला, और आधा चम्मच यहाँ पर ऐड करूँगा हल्दी पाउडर। इसी के साथ मैं यहाँ पर आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगा, और 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगा। इससे ऐड करने से क्या है कि मसाले एकदम चटाकेदार दिखते हैं दोस्तों। बढ़िया तरह से मसाले को हम पका लेंगे दोस्तों। तो 2 मिनट के बाद हमारे यहाँ पर मसाले बढ़िया तरह से खुशबू आ रही है, मतलब हमारे मसाले पक गए हैं। इसके बाद हम 3 टमाटर का पेस्ट बनाकर यहाँ पर ऐड करेंगे। ये देखिए दोस्तों, 3 टमाटरों को मैंने ग्राइंड करके ऐड किया हूँ। अब बढ़िया तरह से मसालों के साथ टमाटर को पकाएंगे दोस्तों। पहले हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद हम इन मसालों को हम पकाएंगे ढक करके। तो इसको हम ढक देते हैं दोस्तों 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट के बीच में आपको इसे बीच बीच में चला कर देखना है ताकि मसाले जले नहीं। तो 5 मिनट के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मसालों के ऊपर ऑयल आ गया है, मतलब हम यहाँ पर हमारे मसाले बढ़िया तरह से पक गए हैं। तो मिक्स कर देंगे एक बार फिर से। तो ये देखिए कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है मसालों के साथ से। और अब बारी है यहाँ पर ऐड करने की ड्रम स्टिक की, मतलब सहजन की। ये देखिए धो के मैं रखा था उसको, अब यहाँ पर रखेंगे, मतलब ऐड करेंगे दोस्तों। ऐड करने के बाद अब हम यहाँ पर 1 चम्मच नमक ऐड कर देंगे। और नमक इसलिए ऐड कर रहा हूँ, अगर नमक पड़ जाएगा ना तो सहजन भी अच्छे से गल जाएगी और अच्छे से पक जाएगी दोस्तों। बढ़िया तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मिक्स करने के बाद अब हमें इसे 5 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि सहजन एकदम मुलायम हो जाए और अच्छे से पक जाए। तो 5 मिनट के बाद अब आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ऑयल एकदम से ऊपर आ गया है और हमारी सहजन बढ़िया तरह से सॉफ्ट हो गई है। मिक्स कर देंगे बढ़िया तरह से ताकि जो कढ़ाई में लगा है वो अच्छे से निकल जाए।
तो अच्छे से ये मिक्स हो गया है दोस्तों। और अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे पानी, ऐड करेंगे जितना आपको ग्रेवी चाहिए उतना ही आप यहाँ पर ग्रेवी के लिए पानी ऐड कीजिए। मैं यहाँ पर 2 गिलास पानी ऐड किया हूँ। अच्छे से मिक्स कर देंगे दोस्तों। इतना प्यारा यहाँ पर कलर दिख रहा है दोस्तों हमारे मसालों का। मिक्स करने के बाद अब हमें इसे पकने के लिए छोड़ देना है 10 मिनट के लिए दोस्तों। 10 मिनट के बाद अब हम कैफ को निकालते हैं और ये देखिए दोस्तों कितना बढ़िया सा यहाँ पर कलर दिख रहा है सहजन की सब्जी का। और इसके बाद हम थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। ये देखिए कितनी प्यारी हमारी यहाँ पर सब्जी दिख रही है। और उसके बाद मैं अब आपको दिखा देता हूँ कि हमारी सहजन पकी है कि नहीं पकी है। तो एक चम्मच लीजिए और इस तरह आप प्रेस कर दीजिए। देखिए एकदम मुलायम हो गई है और अच्छे से पक गई है दोस्तों। तो मतलब हमारी यहाँ पर सब्जी अच्छे से पक गई है दोस्तों। तो फ्रेशनेस के लिए यहाँ पर हरा धनिया का इस्तेमाल कीजिए। मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। और फिर अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद कैफ लगाकर हमें 10 मिनट के लिए इसे सेट होने के लिए रख देना है। जब ये सब्जी ठंडी हो जाएगी ना तब बहुत ही लाजवाब और टेस्ट से भरपूर होगी। ये देखिए दोस्तों कितनी प्यारी यहाँ पर हमारी सब्जी सहजन की सब्जी दिख रही है ना दोस्तों। अगर ये सहजन की सब्जी का वीडियो आपको पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।